महाशिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार आद्रा नक्षत्र आज दिन भर लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बलवान और भाइयों के प्रिय, बुद्धिमान और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। ये खोजी मानसिकता के, कला और इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले और पूर्व अनुमान लगाने में अभ्यस्त होते हैं। ऐसे जातक रसायन पदार्थों के व्यापारी और भ्रमणशील मानसिकता के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, राहु और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद मीन राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की बात करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और इस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों का सार्थक पहल जारी रहेगा। हर काम करने में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। सरकारी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने से भ्रमात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों के लिए समय ठीक चल रहा है। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। अपने दिनचर्या में योगा और व्यायाम को शामिल करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। आपका उच्च ऊर्जा स्तर बरकरार रहेगा और अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति के लिए करें। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्ययोजनाओं की रूपरेखा में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और पुराने मित्रों से भेंट संभव है। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा। नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी और हर प्रयास सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम होगा। सकारात्मक प्रेरणा का दौर जारी है। कई कार्य योजनाओं की रूपरेखा मन में बनती रहेगी, मगर एक एक करके हर काम को करते जाएं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है। विरोधी दबे रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर आपको स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर हर काम में सफलता दिलाएगी, मगर संतान संबंधी मामलों में चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। अच्छे कामों में खर्च संभव है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। निजी संबंधों में तालमेल बिठाकर चलें और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के ऊर्जा स्तर और प्रयासों में सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी और व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है। अपनी कार्य योजनाओं को स्वयं विश्लेषित करते हुए मूर्त रूप दें, लाभ मिलेगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वैवाहिक प्रसंग फलीभूत होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मानसिक उलझने और भ्रम की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। साजिश के शिकार हो सकते हैं। आपकी गोपनीय एवं महत्वपूर्ण बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विवाद के निपटारे को भविष्य के लिए टाल दें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी।
तुला राशि के जातकों को धन लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा, मगर कार्य योजनाओं में अचानक बाधा या रुकावट का संकेत मिलता है। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। विवादित मामलों को निपटाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक भावना बलवती रहेगी, मगर मन में अंतर्द्वंद्व और आशंकाओं से भरा रहेगा। और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी, मगर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। किसी महिला अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट का संकेत मिलता है। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्तों का प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। धनु राशि वाले जातक आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। वृष राशि के व्यक्तियों से सावधानी रखें। आर्थिक नुकसान संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में निखार और अप्रत्याशित धन लाभ संभव है। बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर चंद्रमा के छठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता और भयग्रस्तता संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति संभावित है, मगर व्यावसायिक पृष्ठभूमि मजबूत रहेगी। जमीन मकान या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल हो सकता है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मीन राशि वाले जातक नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। चंद्रमा धीरे धीरे राहु के करीब होते जा रहे हैं और आज राहु के नक्षत्र में हैं। कुछ समय के लिए धैर्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि के जातकों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति है, तो घर में मुख्य द्वार के समीप पीले फूल वाले पौधे लगाने चाहिए और धर्म स्थल में दान स्वरूप वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, तो घर में फलदार पौधे लगाने चाहिए तथा नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं, तो संध्या के समय तिराहे पर गाय के घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए और दीपक रखने के बाद मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल पा रहा है, तो जिस व्यक्ति से धन प्राप्त होना है, उसका नाम ढाक के पत्ते पर सिंदूर से लिखकर मिट्टी के पात्र में ढक कर रख देना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात लाभ के लिए माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। संतान सुख के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा पवित्र जल में डुबोकर घर में रखना चाहिए तथा
यदि संतान पक्ष से अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो उस टुकड़े को स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए नया और खाली घड़ा लेकर बहते हुए नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जीवन में अकस्मात उन्नति के लिए मिट्टी के पात्र में गुड़ भरकर जमीन में दबाना चाहिए। साथ ही साथ साबुत लाल मूंग बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी उन्नति के अवसर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।